राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की बड़ी जाट नेता ज्योति मारधा भाजपा में शामिल हो गई हैं। ज्योति मारधा बहुत बड़ी जाट नेता मानी जाती हैं। जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागौर में जाट समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है। आज़ादी के बाद से ही नागौरी सीट पर मारधा परिवार की पकड़ रही है। ज्योति 2009 में यहीं से सांसद चुन के आई थी, हालांकि 2014-2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। खबरें हैं कि ज्योति मारधा अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं अगर हम लोकसभा के लिहाज से बात करें तो ज्योति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिद्वंदी रही हैं। बेनीवाल पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और ज्योति को पराजित किया था। अब ऐसे में ज्योति का बीजेपी में जाना कई सवाल खड़े करता है, खासकर ऐसे समय में जब बेनीवाल के रिश्ते एनडीए से खराब चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बेनीवाल भी रुख बदल सकते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि बेनीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की है। अब आपको बता दें, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं राजस्थान में, वैसे वैसे मतदाताओं के गणित में पार्टियां जुट चुकी हैं। आपको बता दें, राजस्थान के कुल मतदाताओं में 9% मतदाता जाट हैं। नागौर की बात करें तो यहां सबसे अधिक 5.25 लाख वोटर्स जाट समुदाय से आते हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी में ज्योति मारधा का शामिल होना पार्टी को कितना फायदा दिला सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।